Hello everyone, I am Yamini Thukral, your biology mentor for classes 11th and 12th. I welcome you all to Adda 24/7 School. तो आज हम लोग NCERT Exemplar Series के अंदर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इसके हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे विच आर देयर इन द NCERT Exemplar. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्टिव पेपर आना है वो आपका NCERT Exemplar से ही आना है, तभी जो है हम लोग NCERT Exemplar सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. और मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि आपके टर्म टू के अंदर सबसे टफ जो चीज आ रही है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी की. सो मंडे से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टार्ट करेंगे बोर्ड रिविजन सीरीज. जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो सारे के सारे जो है हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि क्लास 12th बायोलॉजी की मैराथन जो कि हमारी 16 फरवरी को हुई थी उसमें हमारा टर्म टू का आधा ही सिलेबस हो पाया था. तो बाकी का सिलेबस जो है हम लोग 23 फरवरी शाम 5 बजे करने जा रहे हैं. तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें अड्डा 24/7 स्कूल पे शाम 5 बजे 23 फरवरी को. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे जो है बच्चे सेशन शेयर करते हुए दिख जाने चाहिए. बच्चे जो है सेशन शेयर करते हुए दिख जाने चाहिए क्योंकि बच्चों ये जो एग्जाम्पलर सीरीज है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू ऑल, क्योंकि इसके अंदर से ही हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे. इसके अंदर से ही हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इट इज मैंडेटरी फॉर अस, हमारे लिए मैंडेटरी है कि हमें ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर कमांड रखनी जरूरी है. इसलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज कर रहे हैं. तो फटाफट से एक बारी सेशन को शेयर कर दो और बच्चों को भी बुला लो. फटाफट से एक बारी सेशन को शेयर कर दो. जल्दी जल्दी से जो है सेशन को शेयर कर दो. हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. अब तक आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम्पलर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. अब जो मैक्सिमम संभावना है वो आपकी है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में से आने की, है ना. तो इसलिए हम लोग जो है इनको ज्यादा टाइम देते हैं, इनको ज्यादा टाइम देते हैं. सो क्वेश्चन वन इज फिल इन द प्लेसेस विद एप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स. हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. अ फेज ऑफ ग्रोथ विच इज मैक्सिमम एंड द फास्टेस्ट. मैक्सिमम और फास्टेस्ट फेज ऑफ ग्रोथ कौन सा होता है? मैक्सिमम और फास्टेस्ट जो फेज ऑफ ग्रोथ होता है वो हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज क्या शो करता है हमारा? कि वहां पे हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा जो फेज आता है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है, इस टाइम पे क्या होते हैं हमारे? अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं है. तो इसलिए कोई भी जो कम्युनिटी होगी वो बहुत ही तेजी से शूट अप करके ग्रो कर जाती है. कोई भी कम्युनिटी जो होती है वो शूट अप करके ग्रोथ कर जाती है. तो एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज वो फेज होता है जो कि जे टाइप में रिप्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है. अपाइकल डोमिनेंस इज एक्सप्रेस्ड इन डाइकोटिलेडोनॉन. अपाइकल डोमिनेंस एज एक्सप्रेस्ड इन डाइकोटिलेडोनस डाइकोटिलेडोनस plants, it is due to presence of more dash in the apical bud than in the lateral ones. Apical dominance जो कि हमारे dicotyledonous plant के अंदर दिखाई दे जाती है वो किसकी वजह से होती है? कौन सी चीजें ज्यादा जो है मौजूद होती है इन द apical bud rather than the lateral ones? That is auxin or IAA, indole acetic acid. ऑक्सिन या फिर IAA की प्रेजेंस जो है अपाइकल बर्ड के अंदर ज्यादा होती है देन दी लेटरल बर्ड्स. नेक्स्ट, इन एडिशन टू ऑक्सिन अ डैश मस्ट बी सप्लाइड इन कल्चर मीडियम टू ऑब्टेन अ गुड कैलस इन दी प्लांट टिश्यू कल्चर. ऑक्सिन के साथ साथ हमें प्लांट को क्या सप्लाई करना होता है? टू ऑब्टेन गुड कैलस. क्या हमें प्लांट को सप्लाई करना होता है टू ऑब्टेन अ गुड कैलस? साइटोकाइनिन. ठीक है. सो द लास्ट इज डैश ऑफ अ वेजिटेटिव प्लांट्स आर द साइट्स ऑफ फोटो पीरियोडिक परसेप्शन. कहां पे हमारी फोटो पीरियोडिक परसेप्शन होती है? इट अकर्स इन द लीव्स.
इट अकर्स इन दी लीव्स. लीव्स ही जो है हमारी फोटो पीरियडिज्म करती है. शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स इन्हीं की वजह से होते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पीजी एंड ग्रोथ सब्सटेंसेस पीजीएस, ठीक है, हैव इम्यूनेबल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. नेम द पीजीज. पीजीएस, ठीक है, पीजीएस यू शुड यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द शुगर केन, प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ, कॉज स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर एंड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन. जो हमारे ग्रोथ सब्सटेंसेस होते हैं वो हमें नेम करने हैं, विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द शुगर केन. सबसे पहले जिबरलिक एसिड. क्या होता है द शुगर केन यील्ड? इट इज इंक्रीज बाय द जिबरलिक एसिड, जी ए. जिबरलिक एसिड जो है हमारा इंक्रीज करता है यील्ड ऑफ द शुगर केन. नेक्स्ट, प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ. लेटरली जो है शूट ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? हमारा साइटोकाइनिन. क्या प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन. नेक्स्ट, कॉज स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर. पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग कौन करता है? हमारा इथिलीन. कौन करता है? इथिलीन. और लास्ट, इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन. एब्सिसिक एसिड, ए बी ए. एब्सिसिक एसिड, ए बी ए. क्लियर? क्लियर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्राइमरी रूट इट ग्रोज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 19 सेंटीमीटर. जब प्राइमरी ग्रोथ, हमारी जो प्राइमरी रूट है, इट ग्रोज फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर टू 19 सेंटीमीटर इन अ वीक. एक वीक के अंदर 5 to 19 सेंटीमीटर जो है ग्रो कर जाती है. कैलकुलेट द ग्रोथ रेट एंड द रिलेटिव ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड. हमने जो है ग्रोथ रेट और क्या रिलेटिव ग्रोथ रेट इस पीरियड के दौरान में देखना है. सो जब हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट हमारी कुछ ऐसे कैलकुलेट होती है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, है ना. तो इसमें हमारी क्या है, एल टी होती है ग्रोथ आफ्टर टाइम, लेंथ आफ्टर टाइम टी. तो 19 हुई है 5 से, तो कितनी हो गई? 14 हमारा एल टी हो गया. 14 हमारा एल टी हो गया. एल नॉट हमें एल नॉट प्लस आर टी, है ना. L नॉट हमने यहां पे माइनस कर लिया था, LT माइनस L नॉट कर लिया था, तो हमारा यहां पे आ गया था. तो RT, T इज इक्वल टू 1 वीक. तो 14 सेंटीमीटर पर वीक जो है हमारी ग्रोथ रेट आती है. और जब हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें, सो द चेंज अपॉन द इनिशियल इन टू 100, इट इज 280%. द रिलेटिव ग्रोथ रेट, इट इज 280%. कैसे कैलकुलेट किया है? कैसे कैलकुलेट किया है? ठीक है, एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू आर टी. ये मैं सिर्फ ग्रोथ रेट का बता रही हूँ. एल टी हमारी कितने सेंटीमीटर ग्रो कर गई? 19, विच इज द फाइनल लेंथ. इनिशियल लेंथ थी 5. आर हमें पता नहीं है और टी है हमारा 1 वीक. तो 14 सेंटीमीटर पर वीक जो है हमारा आर आया, विच इज द ग्रोथ रेट. अब जब हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हमारा कितना चेंज आया था? 14 सेंटीमीटर का अपॉन में इनिशियल इन टू 100. ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? 14/5 × 100. क्या आया हमारा? 280%. 280% ऑफ द ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जिबलिंस, दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन जापान व्हेन राइस प्लांट्स दे वर सफरिंग फ्रॉम बेकन. दिस इज अ फुलिश सीडलिंग डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द फंगस जिबरलिया फ्यूजिकोराई. गिव टू फंक्शंस ऑफ दिस प्रियोथ हॉर्मोन. गिव टू फंक्शंस ऑफ दिस फाइटो हॉर्मोन. देन नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ द जिबरलिन कॉज्ड फुलिश सीडलिंग डिजीज. कौन सी प्रॉपर्टी ने जो है जिबरलिन की कॉज किया था फुलिश सीडलिंग डिजीज? तो चलिए जानते हैं इस फाइटो हॉर्मोन के दो फंक्शंस. द जिबरलिक एसिड, इट इज यूज्ड टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री. जो मॉल्टिंग होती है उसको स्पीड अप करता है. दे ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग विच इज द इंटरनोड एलोंगेशन विच इज जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेजेस एंड मेनी प्लांट्स. बीट इज द बीट रूट.
ठीक है. देन जिबरलिन कॉजेज फुलिश सीडलिंग डिजीज इन द राइस बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरनोड एलोंगेशन. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इंटरनोड एलोंगेशन इट कॉजेज द फुलिश सीडलिंग डिजीज. तो जिबरलिक एसिड बेसिकली बच्चों क्या कॉज करता है, इट कॉजेज द फुलिश सीडलिंग डिजीज इन द राइस. और वो कैसे कॉज करता है, बाय कॉजिंग द एलोंगेशन इन द इंटरनोड्स. क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिबरलिंस दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ डैश फ्लावर्स ऑन जेनेटिकली डैश प्लांट्स इन कैनबिस वेयर एज इथिलीन प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ डैश फ्लावर्स ऑन जेनेटिकली डैश प्लांट्स. तो हमने बताना है कि जिबरलिंस जो है कौन से फ्लावर्स की प्रमोशन करते हैं, विच आर जेनेटिकली डैश पेरेंट्स. और जब हम इथिलीन की बात करते हैं वो कैसे फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं और कौन से प्लांट्स के ऊपर. सो जिबरलिंस दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द मेल फ्लावर्स ऑन जेनेटिकली फीमेल फ्लावर्स whereas ethylene promotes the formation of the female flowers on the genetically male plants. ye jo hai it promotes the formation of the male plants on the female plants. matlab male flowers ko introduce karega on the female plants, theek hai. aur jo ethylene hai it promotes the formation of the female flowers on genetically male plants. clear yahan tak? नेक्स्ट पे चलते हैं. जिबरलिंस दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द मेल फ्लावर्स, यस वी हैव सीन. नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू लॉन्ग डे एंड द शॉर्ट डे प्लांट्स एंड द डे न्यूट्रल प्लांट्स. इनको हमने जो है क्लासिफाई करना है. सो ज़ैंथियम, हेनमेन, स्पिनच, राइस, स्ट्रॉबेरी, ब्रायोफिलम, सनफ्लावर, टोमेटो एंड मेज. तो जो हमारा ज़ैंथियम है इट इज अ शॉर्ट डे, एस डी पी इज शॉर्ट डे. हेनमेन इज अ लॉन्ग डे, एल डी पी इज अ लॉन्ग डे. स्पिनच लॉन्ग डे, राइस हमारा शॉर्ट डे, स्ट्रॉबेरी हमारा शॉर्ट डे, ब्रायोफिलम हमारा डे न्यूट्रल न्यूट्रल. देन हमारा सनफ्लावर, टोमेटो एंड मेज, दे आर दी डे न्यूट्रल फ्लावर्स, दे आर दी डे न्यूट्रल प्लांट्स. क्लियर, ये इनका क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ फार्मर ग्रोज क्यूक्यूम्बर प्लांट्स, एक फार्मर जो है क्यूक्यूम्बर प्लांट्स को ग्रो करता है इन हिज फील्ड. ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन देम, उनके अंदर जो है वो फीमेल फ्लावर्स बढ़ाना चाहता है, ठीक है. सो विच कैन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बी अप्लाइड टू अचीव दिस. जैसे कि हमने देखा कि फीमेल फ्लावर्स को कौन बढ़ाता है, फीमेल फ्लावर्स को हमारा कौन बढ़ाता है, देखो फीमेल फ्लावर्स को हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था, जो हमारा इथिलीन होता है वो बढ़ाता है. तो हमारे फीमेल फ्लावर, जब हमने फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, इथाइलीन इंड्यूस करते हैं. क्लियर? इथाइलिन दे इंड्यूस दी फीमेल फ्लावर्स ऑन जेनेटिकली मेल फ्लावर्स, मेल प्लांट्स ऑन जेनेटिकली मेल प्लांट्स. मेल प्लांट्स के ऊपर जो है फीमेल फ्लावर्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हमारा इथिलीन का होता है, और इससे ऑपोजिट जो है हमारा जिबरलिक एसिड काम करता है. इसके एंटागनिस्ट हमारा जिबरलिक एसिड काम करता है. क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं. सो वेयर आर द फॉलोइंग हॉर्मोन्स सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, आई ए ए, जिबरलिन, साइटोकाइनेंस. जब हम आई ए ए की बात करें, दे आर सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप्स एंड द अपाइकल बड. जो भी हमारे स्टेम की या फिर शूट की टिप होगी, जहां पे अपाइकल मेरिस्टेम होता है, वहीं पे हमारा आई ए ए सिंथेसाइज होता है. जिबरलिंस किस पे होते हैं, रूट टिप्स एंड द यंग लीव्स. जिबरलिंस कहां से बनते हैं, हमारे रूट टिप्स एंड द यंग लीव्स. वहीं साइटोकाइनेंस हमारे कहां से बनते हैं, मेरिस्टमैटिक जोन्स लाइक द रूट टिप्स. तो मोस्टली आप देख सकते हो कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू
ऑफ ईदर शूट और रूट. शूट या रूट कहीं का भी जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होगा वहां पे हमारे मोस्टली सारे के सारे जो हॉर्मोन्स है वो सिंथेसाइज होते हैं. अब जैसे कि इंडोल एसेटिक एसिड जो हमारा शूट टिप्स और अपाइकल बड पे होता है ना, जिबर्लिन हमारा रूट टिप्स और यंग लीव्स पे होता है. मतलब एक पार्ट तो उनका यही होगा कि मेरिस्टमैटिक जोन्स में होगा, और साइटोकाइनेंस तो सोली सिर्फ मेरिस्टमैटिक जोन्स में बनते हैं. जो हमारे साइटोकाइनेंस होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड मोस्टली एट दी मेरिस्टमैटिक जोन्स लाइक दी रूट टिप्स. क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बोटानिकल गार्डन्स एंड टी गार्डन्स द गार्डनर्स दे ट्रिम द लीव्स एंड द प्लांट्स रेगुलरली सो दैट दे रिमेन बुशी. डज दिस प्रैक्टिस इवन हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? कि जो बोटानिकल गार्डन्स और गार्डन्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मल गार्डन्स के अंदर जो गार्डनर्स है रेगुलरली दे ट्रिम द प्लांट्स जिससे कि वो थोड़े बुशी रहे, क्या इसका कोई साइंटिफिक रेवलेंस है? So mostly in the higher plants, the growing apical bud, it inhibits the growth of the lateral bud. So a phenomenon which is known as the apical dominance. So apical buds basically क्या करती हैं? They display that they are very dominant और वो lateral growth नहीं होने देती हैं. वो lateral growth नहीं होने देती हैं and they display the apical dominance. Apical dominance को display करती हैं. So the removal of a shoot tips which is decapitation, it usually results in the growth of the lateral buds. So hence in botanical gardens and the tea gardens, the gardeners they trim the plant regularly so that they remain bushy. तो gardeners का करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि वो जो है periodically उसे trim करते हैं ताकि lateral buds की जो growth है वो होती रहे, क्योंकि apical dominance की वजह से laterally growth नहीं होती है. Apical dominance की वजह से laterally growth नहीं होती है, तो इसलिए they try to do it regularly जिससे कि जो growth है वो maintain रहे, है ना? जिससे कि जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहे. क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स. क्यों? बिकॉज इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. बिकॉज इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. जब हम लाइट की बात करें, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये क्या करने में मदद करती है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नेम एनी थ्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन विच द प्लांट्स दे आर अफेक्टेड बाय द लाइट. कौन से हैं वो थ्री पीरियोडिक जो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के अंदर? सबसे पहला फोटो पीरियोडिज्म, सेकेंड फोटोट्रॉपिज्म एंड थर्ड फोटोसिंथेसिस. इन तीनों के अंदर ही जो है लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है. लाइट इज रिक्वायर्ड. लाइट इज रिक्वायर्ड. क्यों लाइट रिक्वायर्ड है? बिकॉज द लाइट ड्राइव्स दीज प्रोसेसेस. इन प्रोसेसेस को ड्राइव करने के लिए ही जो है लाइट की जरूरत पड़ती है. इन प्रोसेसेस को ड्राइव करने के लिए ही जो है लाइट की जरूरत पड़ती है. क्लियर? आगे चलें. सो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो एनर्जी है इट इज ट्रैप्ड फ्रॉम द लाइट. एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द लाइट. वहीं जब हम लोग बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की, तो लाइट की वजह से ही जो एक ग्रोथ होती है या तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है या फिर वो फोटो मतलब सन की तरफ ग्रो करता है प्लांट विच अकर्स इन द शूट, और या फिर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है कि वो लाइट के अवे ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ रूट. फोटो पीरियडिज्म उससे पता चलता है कि लॉन्ग डे या फिर शॉर्ट डे प्लांट है, फ्लावरिंग किस टाइम पे होती है. नेक्स्ट, इन द फिगर ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व गिवन बिलो लेबल द सेगमेंट्स 1, 2, 3. 1, 2, 3 जो है हमने लेबल करने हैं सिग्मोइड कर्व में. तो हम देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहला जब ग्रोथ हमारी स्लो है, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो 1 हमारा क्या हो गया?
लैग फेज, इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ बिल्कुल स्लो होती है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट है वो एनवायरनमेंट से अडाप्ट हो रहा है. जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट है वो अडाप्ट हो रहा है एनवायरनमेंट से. सेकंड, जब ग्रोथ पूरी की पूरी हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की प्रेजेंस में जब पूरी की पूरी ग्रोथ हो रही है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज. और लॉग फेज इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ जो अटेन कर सकता है ऑर्गन या फिर प्लांट वो अटेन कर लेता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास क्या होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. थर्ड आता है हमारा स्टेशनरी फेज. थर्ड क्या है हमारा, स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर द तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये बिल्कुल ही आएगा एग्जाम में, तो इसलिए ये तो हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. तो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है. लिमिटेड रिसोर्सेज, कंपटीशन इंक्रीजेस, कंपटीशन इंक्रीजेस. क्लियर? यहां तक क्लियर है कि कौन से तीन फेजेस होते हैं हमारे सिग्मोइड कर्व में. जब हम लोग एक सिग्मोइड कर्व लेते हैं ना बच्चों, तो 1, 2, 3 हमारे यही फेजेस होते हैं, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज. लैग फेज के अंदर जो बॉडी है या फिर जो प्लांट है वो एनवायरनमेंट से अडाप्ट कर रहा होता है इसलिए उसमें ग्रोथ ही नहीं होती है. सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल फेज, दिस इज द फेज ऑफ द मैक्सिमम ग्रोथ. लॉग फेज होता है, इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और ग्रोथ मैक्सिमम होती है. एंड लास्टली थर्ड हमारा होता है क्या, स्टेशनरी फेज होता है जिसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट, ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो? इफ सो व्हाट आर द पैरामीटर्स? तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ डिस्प्ले करते हैं? अगर करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स के साथ? So the increase in mass and the increase in the number of individuals are twin characteristics of the growth. So growth ki jab hum log baat kare, it involves the physical growth and the it increases the mass and increase the number. ग्रोथ का इन टोटल यही मतलब होता है, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर. सो अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय द सेल डिवीजन. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली सेल डिवीजन की मदद से ग्रो करता है कि 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने और ऐसे ही जो है डिवाइड कर करके सेल जो है डबल होता जाएगा. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे ग्रो बाय द सेल डिवीजन विच इज द माइटोसिस. इनका बेसिक प्रोसेस जो रहता है सेल डिवीजन का वो रहता है माइटोसिस, जो कि मैंने सेल डिवीजन के अंदर पढ़ाया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. सो माइटोसिस क्या होता है, जिसके अंदर द सेल नंबर इट डबल्स, सेल नंबर डबल्स. एक सेल जो है टूट के हमेशा 2 में बनता है, है ना? तो डबल हो रहा है हमारा सेल नंबर. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे मोस्टली ग्रो बाय द सेल डिवीजन एंड वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन इनविट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल्स अंडर द माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस सीडलिंग्स इन्फेक्टेड विद फंगस जिबर्लिया फ्यूजिकोराई इज कॉल्ड फुलिश सीडलिंग्स. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये गया था कि फुलिश सीडलिंग डिजीज कौन कॉज करता है और कैसे कॉज करता है. कॉज्ड बाय जिबर्लिक एसिड, है ना? जिबर्लिन सी जो है हमारा फुलिश सीडलिंग डिजीज दे कॉज. Excuse me. So the rice seedling infected with the fungus Gibberellia fusicoryae is called as foolish seedling because the fungus secretes a hormone which is the gibberellin and it causes the excessive growth of the rice plant. See, क्या करता है? Basically, it causes the excessive growth of the rice plants. It causes the excessive growth of the rice plants. इसमें क्या होते हैं? Plants they become tall, but they are unable to produce seeds and they are called foolish. क्यों foolish बोलते हैं? और इसके अंदर क्या होता है? Basically it causes internode elongation. Basically this gibberellic acid it causes internode elongation. So gibberellic acid it is derived from which fungi? Gibberellia fusicoryae. वो क्या सिक्रीट करता है? जिबर्लिक एसिड, जो कि क्या करता है? एक्सेसिव ग्रोथ करता है. पर वो प्लांट्स जो कि टॉल हो जाते हैं, द राइस
plants, but they are unable to produce seeds, and that is the reason they are called foolish. Ki ha ha, itni growth to display kar li hai, isme se seeds to aayi nahi rahi, hai na? Seeds nahi aa rahi, to is growth ka fayda kya hai? तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फुलिश बोला जाता है, स्टूपिड बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं. निकोशियाना टोबैकम, अ शॉर्ट डे प्लांट, व्हेन एक्सपोज टू मोर देन क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट फेल्स टू फ्लावर, एक्सप्लेन. तो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. सो सम प्लांट्स दे रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू ऑल्टरनेट लाइट एंड द डार्क फॉर इट्स फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. अगर हम लोग बोले कि फ्लावर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइट की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल करत है. लाइट और डार्क, इन दोनों का एक वो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. एक्सपोजर जो है पीरियोडिक होना चाहिए टू लाइट एंड द डार्क, तभी जो है प्लांट्स दे फ्लावर. सो दिस फिनोमिना इट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म. सो पीरियोडिक एक्सपोजर टू ऑल्टरनेट लाइट एंड द डार्क फॉर द फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, इट इज नोन एज द फोटो पीरियोडिज्म. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एक्सपोजर इट इज क्रिटिकल. सो द शॉर्ट डे प्लांट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट पीरियड इन द एक्सेस the plants they fail to flower. So those plants which require exposure to light periodic to critical or more than critical period, they are known as the long day plants. Unko hum log long day plants bolte hain, jinko light zyada chahiye hoti hai. So Nicotiana tobacum, it fails to flower if exposed to more than a critical period of light because it is a short day plant. Kya hai hamara ye SDP or short day plant, isko jo hai zyada डार्क चाहिए होती है देन लाइट. वहीं जिनको ज्यादा लाइट चाहिए होती है उनको हम लोग लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स नियर द रूट टिप? सो द मेरिस्टमैटिक सेल्स नियर द रूट टिप, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिच प्रोटोप्लाज्म. उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है. लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, ज्यादा जो है न्यूक्लियस होती है. थिन एंड सेल्युलोजिक सेल वॉल विच इज प्राइमरी इन नेचर. थिन सेल वॉल होती है विच इज प्राइमरी एंड द सेल्स इन द एलोंगेशन जोन. सो फ्यूअर वैक्यूल्स होते हैं हमारे रूट टिप वाले मेरिस्टम में. ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं. न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं. हाय गोदावरी, गोदावरी यू आर लेट. 3 बजे से क्लास स्टार्ट होने का टाइम होता है बच्चे. ठीक है. सो द सेल्स इन द एलोंगेशन जोन, दे आर कैरेक्टराइज बाय व्हाट? दे आर इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन. उनके अंदर वैक्यूल ज्यादा होते हैं, जबकि जो हमारे रूट टिप के पास मेरिस्टमैटिक जोन पे जो है प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होते हैं? वैक्यूल्स कम होते हैं. देन एनलार्ज साइज एंड द डायमेंशंस. डिपोजिशन ऑफ न्यू सेलुलोजिक वॉल्स, उसके अंदर क्या होती है? हमारी थिन सेलुलोजिक वॉल्स होती है जब हम लोग रूट टिप के पास वाले मेरिस्टम की बात करते हैं. तो बच्चे आज हम लोगों ने देखे थे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट एंड द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका हमने पार्ट वन किया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज का. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बच्चे मैं एक बारी टाइम आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, टाइम मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ. 11th के लिए इट इज 3 PM और 12th के लिए इट इज 5 PM. ये दो टाइम्स है जिसपे मैं आती हूँ. ये दोनों टाइम पे मैं आती हूँ. आप मुझसे मेरे साथ में 12th पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई कई 11th के बच्चे जो हैं दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 12th पहले ही. तो वो लोग मेरी 12th की क्लास भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एट 5 PM. बहुत ही जनरल, मतलब स्क्रैच से ही स्टार्ट करवाती हूँ मैं. और यस सो बच्चों, ये था हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चल ही रही है. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के अंदर क्या चल रहा है अभी? हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये बस सैटरडे तक यही वाली सीरीज चलेगी एंड मंडे से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द बोर्ड रिविजन सीरीज. मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द बोर्ड रिविजन सीरीज, क्योंकि सारे बच्चों को जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th में प्रॉब्लम है. तो हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाएंगे और आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी कर देंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं. मंडे से स्टार्ट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. तो हम उसी से जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जिससे कि सारे ही बच्चों को बहुत ईजी रहे, है ना, सारे बच्चों को बहुत ईजी रहे. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज कल हम लोग खत्म करके एंड मंडे से हम लोग जो है बोर्ड रिविजन सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उठा के सारे पढ़ेंगे. ठीक है, तो कितने बजे जुड़ना है मेरे साथ? 11th के लिए दोपहर में 3 बजे जुड़ना है और 12th के लिए शाम को 5 बजे. आप 12th में भी आ सकते हैं गोदावरी, अगर आपको मन करे तो. ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं अभी 5 बजे 12th वाले सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.